भोजपुरी फिल्मों की चटपटी और मसालेदार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें और बेल का आइकॉन दबाइए और हर एक न्यूज सबसे पहले पाइए। बॉलीवुड के दबंग सलमान खान की फिल्म ट्यूबलाइट और भोजपुरी गायकी के सिरमौर पवन सिंह की फिल्म चैलेंज शुरू से ही सुर्खियां में रही है। अब इन दोनों फिल्म का बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त टक्कर होने वाला है। वैसे तो सिनेमा जगत में दोनों सुपरस्टार अपनी फिल्म को लेकर हमेशा चर्चा में बने रहते हैं और उनकी फिल्म और फिल्म के गाने रिलीज होते ही कई सारे रिकॉर्ड तोड़ती है और कई नए रिकॉर्ड भी बनाती है। लेकिन इस बार दोनों सुपरस्टार की टक्कर ईद के मौके पर बॉक्स ऑफिस पर होने वाली है, जहां सलमान खान की ट्यूबलाइट और पवन सिंह की धड़कन एक साथ 23 जून को बिहार झारखंड के सिनेमाघरों में रिलीज किया जाएगा। दोनों अभिनेता अभी से ही अपने अपने तरीके से फिल्म के प्रचार प्रसार में जोर शोर से लग गए हैं। आपको बता दें कि कबीर खान के निर्देशन में बन रही फिल्म ट्यूबलाइट सलमान खान और कबीर खान की तीसरी फिल्म है, जो कि इस फिल्म की कहानी भारत चीन युद्ध पर आधारित बताई जा रही है। वहीं धड़कन में पवन सिंह नए अवतार में दर्शकों को नजर आएंगे। साथ ही साथ पवन सिंह शिखा मिश्रा और भोजपुरी क्यून अक्षरा सिंह के साथ जोरदार रोमांस करते हुए दर्शकों के दिलों पर राज करने वाले हैं। धड़कन में पवन सिंह का भोजपुरिया बाहुबली का अवतार भी दर्शकों को देखने को मिलेगा। आपको बताते चले कि पवन सिंह और मधु शर्मा का चैलेंज प्रदर्शन के लिए तैयार है। चैलेंज में पवन सिंह और मधु शर्मा का जोरदार रोमांस दर्शकों को काफी ज्यादा पसंद आने वाला है। भोजपुरिया गॉसिप से राहुल शर्मा की रिपोर्ट। भोजपुरी की चटपटी और मसालेदार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें भोजपुरी गॉसिप्स।